द फैक्ट में तुहाडा स्वागत है। मैं सुखविंदर कोटली। सो डेरे की सच्चाई नूं जब तक असी जान नहीं लैंदे तक असी तुहाडे रूबरू हुंदे रहांगे। अज असी पहुंचे पिंड जलालियाणा जिथे सेवा नूं लैके अज उत्थे सफाई अभियान का काम चल रहा है। सेवा के दौरान असी कुछ सेवादारां नूं तुहाडे रूबरू करावांगे जो डेरे दे नाल काफ़ी पिछले समय तो जुड़े हुए है ते डेरे दे प्रति उन्हां दे की विचार ने असी उन्हां तों जानना चाहांगे। भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की शुभ नाम है भाई जी तुहाडा? मक्खण सिंह जी। मक्खण सिंह जी तुसीं डेरे तों कद तों जुड़े हो भाई जी? डेरे तों असीं कम से कम 4 पीढ़ियां हो गईआं, शुरुआत जुड़े जी 1958 तों पहलां दे जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, इन्ने पुराने तुसीं डेरे दे नाल जुड़े हुए हो भाई जी, सानूं अज वी डेरे ते पूरा विश्वास है। डेरे ते 100% विश्वास है जी, 100%। डेरे ते इन्ना विश्वास क्यों है? डेरे दे विच असीं आपदे सतगुरु नूं परमात्मा दे रूप दे विच 100% खुदा दे रूप दे विच देखिआ ते परखिआ ते देखिआ जी। तुहाडे बच्चे जांदे? बच्चा जांदा साडा जी, टोटल बच्चा। किस तरह दा माहौल है उत्थे लड़कियां नूं लै के? किस तरह दा माहौल है? बहुत ही बेहतर माहौल है, इहजा माहौल किते भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही। ते कुछ पिछले काफ़ी समय तो असीं देखे है भी डेरे दे नाल काफ़ी बड़ा वितकरा होया, कुछ ऐसे जे एलीगेशन गुरु जी ते लगे कि वह सच ने? जमा निराधार ते जमा झूठे, मतलब कि बिल्कुल झूठे। होर की कहना चाहोगे इस चीज़ बारे तुसीं भी, जिहड़े जिहड़े झूठे दोष क्यों लाए ने, कि कौन ने वो लोग जिहड़े ने झूठे दोष लाए ने, क्यों लाए है? ये इस तरह जी, बिल्कुल सच्चाई नूं मतलब कि दबा छुपाउण वास्ते झूठा जिहड़ा है एजेंसियां वगैरह करदियां, होर कुछ नहीं। मतलब कि तुसीं ये भी सानूं दसो भी जे डेरे दा माहौल है उत्थे की कुछ सिखाया जांदा संगत नूं? संगत नूं इनसानियत ही सिखाई जांदी है, इनसानियत बारे सिखाया जांदा है संगत नूं, मतलब कि संगत नाल प्यार करन दा, संगत नूं इक दूजे दा सहयोग करन दा, जरूरतमंदां दी जरूरत पूरी करन दा, खूनदान कैंप का हो रहा इस तरीके के, मतलब कि भलाई के काम ही सिखाए जाते सिर्फ। की होर भलाई के काम की ने जोड़े उत्थे कराए जाते? भलाई के 136 काम है जोड़े इतने करवाए जाते हैं, सारे भलाई के काम मेन बड़े जो समाज के जो सरकार नहीं कर रही, वो कहे जे काम ने जोड़ा डेरा कर रहे हैं? समाज में सुधारण वास्ते देखो भी नशा तो दूर कराया जा रहा है, नशा तो दूर किया जा रहा, बिल्कुल नशा तो रहित कराया जा रहा है, बिल्कुल एक नवी जिंदगी दान दी जा रही है जी। कितने बंदा समाज के विचरद, समाज की मतलब कि अपने की सोच है, उस सोच में मतलब कि उत्थे जाके वधिया सोच तैयार करी जाती है, चंगा समाज सिरजा जाता है। बहुत अच्छा, अच्छा चंगा समाज सिरजा जाता है। हाँ जी। तो बीजी सानू यह भी दसो भी पिछले काफ़ी समय के उत्तों जो मीडिया ने सतगुरु के बारे या संतों के बारे या गुरु जी के बारे प्रचार किया, वो किस तरह क्यों अजिहा प्रचार ठीक है कि? बिल्कुल झूठा, बिल्कुल दुष्प्रचार कर, दुष्प्रचार जिद बड़ी मतलब कि पीड़ा होंगी है, मतलब कि एक सत्संगी वास्ते एक चंगे इंसान वास्ते बड़ी पीड़ा होंगी है। मतलब कि इस पीड़ा नूं तुसीं सरकार नूं किवें कहना चाहोगे? इस पीड़ा नूं उसके सामने सरकार नूं किस तरह दसना चाहुंदे भी इत्थे जे हुंदा ए नहीं हुंदा, किस तरह तुसीं दसना चाहोगे? कोई मैसेज है दो ताकि जिहड़ी गुरु जी की रिहाई जल्दी हो सके। गुरु जी एक समाज बेहतरी समाज की सिरजना करते हैं, गुरु जी के आने नाल मतलब कि वधिया समाज की सिरजना होंदी है, तो सरकार नूं चाहिए भी गुरु जी नूं जल्दी तो जल्दी रिहा करना चाहिए जी। सो ये हुण तुसीं जिहड़े लोग इत्थे नहीं आए डेरे दे विच, उन्हां नूं किस तरह की अपील करना चाहोगे भी तुसीं आके देखो इत्थे किस तरह का माहौल है? हरेक इंसानियत लोगों नूं मतलब कि बेनती करी जांदी है भी इत्थे आके देखण भी एक मतलब कि बहुत ही वधिया हरेक पक्षों मतलब कि जरूरी है भी इत्थे आके देखा जाए तो फिर पता लगता भी की है सच्चाई की है, मतलब कि सच्चाई की है, क्योंकि सच्चाई तो दूर रखा गया, अजिहा साढ़े नाल होया, एडा वितकरा साढ़े नाल होया, लेकिन फिर भी असी डेरे दे नाल जुड़े हाँ। क्यों जुड़े हाँ? क्योंकि जिहड़ी बिटे डेरे की विचारधारा है वो एक वक्रे समाज का निर्माण करती जा रही है, एक निरोग शरीर दो शरीर का जिहड़े रोगों तो दूर जिहड़ी हैगी है संगत नूं जां अपने जिहड़े डेरे की विचारधारा नाल जुड़दे ने वह निरोगी हो रहे हैं, तो वधिया वैल एजुकेशन लोग उहदे विच आ रहे हैं, तो लोगों नूं वधिया शिक्षा दित्ती जा रही है। सो तुसीं अपने साढ़े इस चैनल पर आके तुम अपने अपने कीमती समय में कढ़ के समा दिता, असं तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो दोस्तों फिर लैके आवेंगे कोई अजिही रूह अजिहा शख्स जो अपने बारे दसेगा तो अपनी जिंदगी बारे दसेगा, तद तक तुम देखते दो द अफेक्ट है। धन्यवाद।